मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। अशोक सर, आपके ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है, बड़ा एक्शन वैक्शन का फिल्म है, एक्शन तो है ही, लेकिन बेसिकली ये फिल्म ना प्योर कॉमेडी फिल्म है, गजब की कॉमेडी फिल्म है। एक नया ट्रायल किया है मैंने, एक कोशिश की है कि थोड़ा सा भीड़ से हटके बनाई जाए, और सबने मुझे बड़ा सपोर्ट भी किया है। देव ने भी कमाल का काम किया है, कल्लू ने भी कमाल का काम किया है, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो उस करेक्टर में घुस के काम में किया, इसलिए मुझे विश्वास है कि ये फिल्म थोड़ा अलग होने की वजह से शायद पब्लिक को अच्छा ज़्यादा अच्छी लगेगी। जी, और क्या वजह थी कि कल्लू को इस फिल्म के लिए आपने कास्ट किया, और भी एक्टर हो सकते थे, कल्लू ही? कल्लू उस एज ग्रुप से मैच करता है जिस एज ग्रुप की मुझे ज़रूरत थी, पहली बात। दूसरा, पर्सनालिटी उसकी उस लेवल की थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उस बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से मैंने वो फिल्म किया है, यानी पूरा करेक्टर का स्केच जो बनाया है वो कल्लू के बॉडी लैंग्वेज से मैच करता है, बस यही बोल सकता हूँ। काजल राघवानी है फिल्म में, उनके साथ आपने बैरी कंगना भी किया जी, है जी, कुछ बताएंगे काजल के बारे में, किस तरह का रोल होगा काजल का इस फिल्म में? काजल एक बहुत ही क्यूट पत्रकार का करेक्टर की है, तो बहुत सीधी सादी है, और उसकी वही, उसका वही सीधापन जो है वो इस पिक्चर में कॉमेडी का वॉयस बना है। कब तक फिल्म रिलीज हो सकती है और म्यूजिक कैसा होगा? मैं इतने बोल सकता हूँ कि एक पारिवारिक फिल्म है, ये एक बहुत ही डिसेंट स्टाइल की बनी फिल्म है, बड़े कर्णप्रिय सॉन्ग्स मिलेंगे आपको, मधुकर जी ने बनाए हैं, बहुत अच्छे बनाए हैं, और यस, इट इज़ ए फैमिली फिल्म। रिलीजिंग की क्या प्लानिंग है? जुलाई 19। कुछ कहना चाहेंगे फैंस को फिल्म के लिए, दर्शकों को जो? मैं दर्शकों से, स्पेशली दर्शकों से एक ही चीज़ कहूँगा कि आपने अमीर लड़की और गरीब लड़के की प्रेम स्टोरी बहुत देख ली, आपने रिवेंज स्टोरीज बहुत देख ली, एक बार इस फिल्म को जरूर देखिएगा, ये फिल्म शायद आपको ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आपको कॉमेडी का फ्लेवर पूरी फिल्म में मिलेगा। मैं स्टोरी ओपन नहीं कर सकता, एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन ये मुझे विश्वास है कि ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.